गाजा में अभी भी 100 से ज्यादा इजरायली बंधक हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजरायली फौज जद्दोजहद कर रही है, लेकिन उसके बावजूद बंधकों की रिहाई में IDF का कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। उल्टा 30 अगस्त 2024 के दिन रफा की एक सुरंग में 6 इजरायली बंधकों के शव बरामद किए गए, और इन बंधकों को लेकर हमास ने नेतन्याहू से दो टूक कह दिया है कि अगर उसने सेना की ताकत से जबरन बंधकों की रिहाई की कोशिश की तो ये सभी बंधकों को अपने ताबूत में वापस लौटेंगे। और 6 बंधकों की मौत पर भी हमास ने इसका ठीकरा इजरायली सेना पर फोड़ा है। हमास का कहना है कि इनकी मौत IDF की गोलीबारी में हुई है। अब इसी कड़ी में हमास ने इजरायली बंधकों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। हमास ने कहा कि अगर इजरायल ने गाजा में नरसंहार जारी रखा तो इन बंधकों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। हमास ने अपने बयान में कहा, हर दिन नेतन्याहू का एक नए हमले का मतलब है एक नया ताबूत। इसको लेकर हमास की पॉलिटिकल ब्यूरो के मुखिया ओसामा हमदान ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि गाजा में कैद इजरायली बंधक इजरायली सेना की बमबारी में मारे गए, जबकि अन्य इजरायली सेना के सीधे हमले में मारे गए। हमदान का कहना है कि हमास कई बार मध्यस्थों का प्रस्ताव पर राजी हुआ है, लेकिन इजरायल ने लगातार इन प्रस्तावों को ठुकराया और बदले की मांग की है। हालांकि हमदान का ये जरूर कहना है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर से इजरायली फौज की वापसी का जो वादा किया है उस पर उसको विश्वास नहीं है। हमदान का कहना है, मोसाद को ये वादा लिखित में देना होगा और जो एक स्पष्ट नीति के तहत हो। आपको बता दें कि ओसामा हमदान ने इसराइल से मांग की है कि इजरायली फौज इस कॉरिडोर और गाजा से पूरी तरह निकल जाए। यहां तक कि मिस्र के मध्यस्थों को भी हमास के बड़े अधिकारियों ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर की बात याद दिलाई है। हमास ने साफ कर दिया है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर फिलिस्तीन मिस्र का साझा बॉर्डर है और इसराइल की यहाँ पर मौजूदगी लगातार उसके कब्जे का सबूत है, और हमास इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। और अगर इजरायली सेना यहाँ से नहीं हटी तो इजरायली बंधकों की मौत के जिम्मेदार खुद PM नेतन्याहू होंगे। वहीं PM नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि इसराइल की सुरक्षा के लिए फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली सेना की मौजूदगी बेहद ही जरूरी है, जबकि उनके खुद के रक्षा मंत्री योव गैलेंट और विपक्षी नेता बेनी गैंट्स इस बॉर्डर से पीछे हटने की मांग कर चुके हैं। यहाँ तक कि मोसाद के प्रमुख ने भी एक मीडिया बयान में कहा है कि बंधकों की सुरक्षा रिहाई के लिए इस कॉरिडोर को खाली करना होगा, और बंधकों की रिहाई को इसको लेकर इजरायल में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इस कॉरिडोर को लेकर नेतन्याहू टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं।